मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज से आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। आज डेट है 10 जून थर्सडे, ठीक है। अभी आपको मैं स्टैंडर्ड फिफ्थ में सब्जेक्ट EVS में चैप्टर 1 माइग्रेशन एंड इम्पैक्ट ऑन फैमिली करवाऊंगी, जो आपको करना है, ठीक है। वन डे अमन वॉज सिटिंग इन हिज रूम, एक दिन अमन अपने रूम में बैठा था, लुकिंग क्वाइट सीरियस, वो सीरियस दिख रहा था। हिज ग्रैंडफादर वेंट टू हिम एंड आस्क व्हाई ही वॉज सो सीरियस। उसके ग्रैंडफादर ने उसको कहा, आप सीरियस क्यों हो। अमन टोल्ड हिम दैट ही वॉन्टेड टू नो ऑल अबाउट हिज फैमिली। ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट ही लिव इन अ बिग जॉइंट फैमिली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, दे लिव इन अ रूरल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। After completing his schooling, he had shifted to Delhi for better educational opportunities. Since then, he had been living in Delhi. Aman's grandfather was born in a big joint family in a village of Uttar Pradesh. Aman के जो grandfather थे, उनका born Uttar Pradesh के एक छोटे से गांव में हुआ था, और उन्होंने अपनी study भी गांव में ही complete किया था। He had completed his schooling from the village school. In due course of time, most members of family moved to different places for various reasons. Aman had met all his uncles, aunts and cousins after a long time. When he had visited his ancestral home to attend a family wedding last year, in the same way, Aman's friend Ankita families also moved from Jaipur to various places of different reasons. Given below in Ankita's paternal family tree, it also shows where her relatives live. Abhi migration and migrates. Sometimes people move from one place to another to settle there. This is called migration. कई बार people move from एक place से दूसरे place जाते हैं, वहाँ settle होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, migration बोलते हैं। The people who migrate are called migrants. Most people migrate to other places primarily for the following reasons. देखो अपने किस हिसाब से वो अपना migrate करते हैं उसके reasons बताए हैं। बेटर ऑफ हायर एजुकेशन, अच्छी स्टडी के लिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद भी शिफ्ट होते हैं, जॉब ट्रांसफ़र, कई बार जॉब ट्रांसफ़र होती है तब वो माइग्रेट होते हैं, ठीक है। समटाइम्स पीपल हैव टू लीव द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन अनविलिंगली, दे आर फोर्स टू माइग्रेट एंड शिफ्ट टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट। उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देर आर मैनी रीजन्स फॉर फोर्स माइग्रेशन, नेचुरल कैलमिटीज लाइक फोर्स फेमाइंस अर्थक्वेक्स सुनामीज एक्सेट्रा यूजली रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। पीपल हैव टू मूव टू सेफ प्लेसेस टू सेव देम्स। वो अपने को देखो, फ्लड्स बाढ़ आती है, अर्थक्वेक जब भूकंप आता है, सुनामी है, उस रिजल्ट्स ऑफ लाइफ जो अपने कुछ लाइफ में होता है, ऐसी घटना होती है, इसके लिए उनको क्या करते हैं, अपना प्लेस चेंज करते हैं सेव रहने के लिए, ठीक है, अपने को बचाने के लिए, ठीक है। अभी समटाइम्स वॉर्स एंड सम पॉलिटिकल डिसीजंस आल्सो फॉर पीपल टू मूव। Partition of India and Pakistan was one such political decision which displaced many people. Sometimes the government breaks the houses built on unauthorized land. This is called demolition. This also displaces people. Construction of industries, dams, flyover also complete people to move to other places. Sometimes during the construction of dam, the government asks the people living there to leave their homes as the entire place was submerged under water. When there is a war, people leave their homes,
टू एस्केप फ्रॉम वायलेंस समटाइम्स दे सीक शेल्टर इन अनोदर कंट्री सच पीपल आर कॉल्ड रेफ्यूजीज. उसको क्या बोलते हैं? रेफ्यूजीज बोलते हैं. ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे अभी इनकम्प्लीट है. नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करवाऊंगी. थैंक यू.